सरकार चलते चलते और मंडप के द्वार पर पधारे। देवता लोग सुंदर स्वरूप धारण करके बराती बन सम्मिलित हुए। उनकी देवियां अर्थात देवांगनाएं सुंदर साज सजा के षोडश श्रृंगार पूर्वक मेरी माँ के दिव्य कक्ष में जाकर मैया को सजाती हैं, अलंकृत करती हैं। जो सजता है वही सजा सकता है, जो स्वयं नहीं सजता है वो सजा नहीं सकता, जो खा सकता है वो खिला सकता है, जो पहन सकता है वही पहना सकता है। अब जिसको अभ्यास नहीं है, जैसे हमारे प्रातस्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी अपने ठाकुर जी को लाला सकार को कस के इतर लगाते थे, वो जिस पथ से निकल जाते थे तो उनके जाने के बाद भी सुगंध बिखरी रहती थी। स्वयं भी सजे धजे और लाला को लगाए अपने भी इत्र फुलेल से एकदम सजे रहते थे, कान में भी फुहार लगाए रहते थे। किसी ने प्रश्न किया, बिंदु जी आप धमकते बहुत हैं। बोले ए शनिचर, हम जगदीश के परिकर हैं, तो हम नहीं गमके गए तो क्या तू गमके? हम परमात्मा के हैं, मेरा जीवन इनका है। तो जैसे भगवान गमकते हैं वैसे उनका भगत भी गमकता है। परंपरा दोस्तों, आज दबाव है, धनुष भंग कल हो गया तब किस बात का दबाव है जी? सरकार चला रहे हो क्या? ससुराल हम जाया कर तू जाता है तो दबाव में आ जाता है। आनंद तो मेरे प्रभु मंडप में अर्घ पूर्वक धराए गए। मध्य पर्व का आदिविधि संपन्न हुई। ब्राह्मण देवता लोग वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। मानस में ऐसा वर्णन है, साक्षात चारों वेद आकर और विप्र वेश में मंत्र का उच्चारण करने लगे। शांति पाठ आदि संपन्न हुआ। देखिए, यदि सक्षम हो आप तो ये लकड़बंग बजने से बेहतर है कि उत्सव में वैदिक परंपरा का निर्वाह करें। वैदिक परंपरा कि सानिध्य और संग में जब हम रहते हैं तो हमारा चित्त परमात्मा में रमता रहता है। वैदिक विधान नहीं, वैदिक तो लोक विधान का। लेकिन कम से कम हम यह ध्यान तो रखें कि हम क्या कर रहे हैं। अब हम कुछ भी कर रहे हैं ये व्यवहार नहीं है। आप देखेंगे इस उत्सव में करी लोक वेद विधान कन्या दान नृपभूषण की। मानस में गोस्वामी जी एक एक पद में एक एक चरण में व्यवहार सिद्धांत का कितना स्मरण रखते। जग जननी माँ सीता महारानी मंडप में पधारी हैं। माँ जो पिताजी चक्रवर्ती मिथिलापति और सुनैना माँ के बगल में बैठ गए। गुरु वशिष्ठ भगवान का श्रेष्ठ आसन लगा, चक्रवर्ती जी का दिव्य आसन लगा, बरातियों को चक्रवर्ती जी के समान आदर दिया है मिथिलेश ने। नेत्र युग बदल गया है, कोई किसी के आता नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे यहां कोई आता है। यदि कोई आता है तो उसका दिव्यता पूर्वक स्वागत करें। कोई आया तो कई लोग बैठे रहते हैं, कोई आता ही नहीं, बुला बुला जबरन बैठाते हैं। आप भी मेरे यहाँ बैठे। एक बार मैं कार्यक्रम में चला गया तो वो भाई बोले कि महाराज श्री, मैं बैठा 20 मिनट, जो आता है चला जाता है। हमने कहा भैया ये तो संबंध होता है,
जब संबंध होता है तो जो आता है वो बैठता है, और अनुबंध होता है तो आदमी आता रहता है और जाता रहता है। कुछ तो संबंध ऐसे रखिए जहां कोई बैठे, आते जाते का संबंध अच्छा नहीं। हाँ, वो प्रीति का स्मरण रखिएगा और प्रेम का, कल हम फिर चर्चा करेंगे उस पर, प्रसंग गहरा है, भूलिएगा नहीं। घर में राय करके आइएगा, प्रीति क्या है प्रसंग, कहीं झगड़ा हो तो मौन रहिएगा, बोलिएगा भी नहीं। घर में इस विषय पर काफी गर्मा गर्मी भी हो सकती है। कोई कह देगा जो हम करते हैं वो प्रेम है, जो तुम करते हो नाटक है। हर प्रकार के उत्तर की तैयारी रखिएगा, कहिए मत, समझिए बस। माय बाप आइए, सरकार हमारे, अब देखिए आज और मेरे राम जी के उत्सव का दर्शन कराते हैं। आज भी द्वार पूजा होती है और यहां भी द्वार पूजा होने जा रही है। द्वार पूजा के समय कन्या का पिता वर के पांव धोता है, जो किए होंगे उत्सव अपने बिटिया के वो उनको स्मरण होगा। लेकिन आद का दामाद जूता नहीं निकालता है, मोजबे पर धोवा लेता है। अनुभव में आया होगा आपको, एक स्थान पर हमको जबरन निकलवाना पड़ा, जूता निकालो, तो उसका जीजा खड़ा था, बोले नहीं। हमने कहा जब आप कौन हो, क्योंकि तो पिताजी बोले ये हमारे दामाद। हमने कहा दामाद नहीं, दसवां ग्रह है। महाराज अगले में बात होगी। तब हम धोए पांव, विधि है भाई, सब मनमुखी होगा क्या। बलिया में जिनके घर रुके थे बिस्तु बाबू, उनकी बेटी की शादी थी बनारस में, एक अंदर न जाओ बाहर, तो स्मरण रखिएगा। ये कितना बड़ा उत्सव है, लागे पखारन पाय सागर सही, इमिया न चला।
विधिवत गांठ जोरी हो न लागी चतुष्पदी पूर्ण हुई। हिमांचल जी ने जैसे माँ भगवती के कर को बाबा शिव को समर्पित किया था, हिमवंत जी गिरिजा महेश ही समुद्र जी ने जैसे श्री जी को भगवान श्री हरि के कर में समर्पित किया था, उसी प्रकार जनक राज महाराज ने लोक वेद विधान मंगल भाव पूर्ण करते हुए मैया के कर को श्री रघुनाथ जी के कर में समझते। बोलिए जुगल सरकार की जय। जनक जी पहले से हराए गए। देखिए यह एक सौभाग्य है। क्या व्याह मंगल महोत्सव सौभाग्य है परिवार का, पीढ़ियों का, उसको उसी प्रकार सौभाग्य को सौभाग्य स्वरूप प्राप्त करना चाहिए। देखिए कितना अद्भुत, कितना दिव्य, कल्पना करते हैं। इसे मेरी तो प्रार्थना है कि विवाह महोत्सव में बहुत देर मत किया करिए, बिटिया का विवाह शीघ्र करिए और लड़कों का विवाह भी 21-22 में निपटा डालिए। देर होने पर अंधेर बहुत हो रहा है। अधेरपुर नगरी चौपट राजा टकासिर भाजी, हाँ इससे चित्त चरित्र मित्त सब एकदम वित्त सब अस्त व्यस्त हो रहा है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है उसी प्रकार योग नहीं होता है, योग नहीं होता संतान नहीं होती, बड़े नाना विधि खोखट होता है। समय रहते सब हो जाना चाहिए, व्यवहार सिद्ध हो जाना चाहिए, से सब होता रहेगा। संसार है इसमें तो चलते रहेगा। सर्वेक्षण आया है जितनी अवस्था बढ़ जाती है उतने नाना विधि विचारों में परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं, फिर वो साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे देश में नहीं हमारे प्रदेश में न जाने किसी जिले के डीएम साहब घर से निकले और झगड़ा होने के बाद जाकर दिल्ली में किसी बिल्डिंग से कूद पड़े। वाई IAS कोई होता नहीं है, नोट लिख गए हैं कि हम घर में झगड़ा हुआ इसलिए ऐसा कर दिया। ये क्या, एक बात ध्यान रखना, उत्सव के समय कह रहा हूं घर में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, इसका नाम है राम रगड़ा। राम रगड़ा तो होना ही चाहिए, बिना राम रगड़ा के प्रीति कहां, प्रेम कहां है? हमारा तो रोज होता है। आप कहेंगे अरे हमारी वो बहू जी बैठी रहेंगी तब वो कह देंगे कि हमारा आपका अभी भी चल रहा है। अरे जब साथे जीना है साथे मरना है तो रोज न हो 24 घंटा वो फर्क क्या पड़ना है, साथे जीना है साथे मरना है। सनातन धर्म में विकल्प तो कोई ढूंढोगे नहीं, साथे रहना है साथे मरना है। अभी से मेरे साथी लोग हैं ये, इनका हमारा राम रगड़ा तो नहीं लेकिन आपस में किसी की किसी से नहीं पटती, आपको आश्चर्य होगा। ये सब आपस में विरोधी तंत्र हैं। अब आप हंस रहे हो, हम दिल की कह रहे हैं। इनकी अब इसे हमारे ये भैया बैंजू वाले भैया हैं, इनका नाम शिव भैया है, तो ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर है, हारमोनिया वाले सोचते हैं हमारे ऊपर है, तो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं 3 घंटा पूरा। अब आप कहेंगे गलत है, गलत नहीं है, हम जिसको बढ़ा देते हैं वो खुश हो जाता है, जिसका दबा देते हैं वो नाराज हो जाता है। लेकिन इनका प्रेम जब आप देखिए कमरे में दोनों लोग साथ है बैठे मिलेंगे, ये क्या है, इसका नाम है राम रगड़ा। ये आप सबका नहीं बताएंगे, भेद नहीं खोलेंगे, ये प्रेम हो तो राम रगड़ा बहुत मीठा लगता है।
प्रेम होना चाहिए, परिभाषा कल लेके आइएगा। घर में राम रगड़ा उसी के नहीं होता है जिसमें एक आदमी डिप्रेशन में रहता है। दवाई खाए, पानी पिए, अब किससे लड़ोगे? अरे यार, जब विकल्प नहीं है, विकल्प ढूंढ ले रही है, लगे रहो राम रगड़ा, यही जीवन का आनंद है।